आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 20वें मैच में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। अगर बात की जाए दोनों टीमों के बीच, ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा। इंग्लैंड अब तक खेले गए 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत दर्ज की है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों में 2 में जीत के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान की शुरुआत शानदार रही, जहां गुरबाज ने 80 रनों की पारी खेलकर दबदबा बनाए रखा, जिसके कारण टीम ने बोर्ड पर 284 रन बनाए। इंग्लैंड की शुरुआत उस तरह नहीं रही जैसा वो चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसी वो शुरू से चलकर खेलते थे और एक अच्छी स्कोरिंग देखते थे, अच्छे शॉट्स लगाते थे। अगर बात की जाए उन्होंने अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। आखिर में उन्हें 69 रनों से मैच हारना पड़ा। अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड से मुकाबला हारा। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप में कितना बड़ा उलटफेर हुआ नीदरलैंड की टीम जब साउथ अफ्रीका को यह मैच हराई है। जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, अच्छी शुरुआत के बाद वो लगातार विकेट खोते रहे और 7 विकेट के नुकसान पर 140 रन पर सिमट गए। स्कॉट एडवर्ड ने 78 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिससे उनकी टीम 245 के अच्छे स्कोर तक पहुंच पाई थी। दक्षिण अफ्रीका भी नियमित अंतराल पर विकेट खोता रहा। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर 38 रन से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में सबसे बड़ा उलटफेर किया। यानी कि आप समझ सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की टीम ऐसी जिसमें क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पहले मैच में शतक लगाया था, रासि वैन ढूसे उन्होंने भी शतक लगाया था, तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर होने के बाद वो टीम नीदरलैंड जैसी टीम से अगर 38 रन से हारते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का जो मनोबल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर गिरा होगा। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका हार के बावजूद भी फॉर्म में है। बिल्कुल आपने सही सुना, नीदरलैंड से हार के बावजूद साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में ताकतवर नजर आ रही है। टीम के सभी प्लेयर्स फॉर्म में हैं। क्विंटन डी कॉक 2 शतक लगा चुके हैं, वहीं कसिगो रबाडा ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। टीम नीदरलैंड के खिलाफ हारने के बावजूद टॉप 4 की रेस से बाहर नहीं हुई है। इंग्लैंड के डेविड मलान भी टॉप फॉर्म में है, जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। इंग्लैंड भी अफगानिस्तान के खिलाफ उलटफेर का शिकार हुई। इंग्लैंड के ज्यादातर बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला, लेकिन डेविड मलान टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में मलान ने 3 मैच में 186 रन बनाए हैं दूसरी ओर गेंदबाजों में। वहीं अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में कुल 7 मैच खेले गए हैं। इस दौरान इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में रही। इंग्लैंड ने 4 बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज की, जबकि साउथ अफ्रीका ने 3 बार इंग्लैंड को हराया। यानी कि अगर ये मुकाबला आज साउथ अफ्रीका जीतती है तो ये जो आंकड़े हैं ये 4-4 के हो जाएंगे। लेकिन इस मुकाबले को जीतने के लिए जिस तरीके से पहले मैच में रासि वैन ढूसे, क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से रबाडा ने गेंदबाजी की, केशव महाराज ने गेंदबाजी की, उस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को एकजुट होकर परफॉर्मेंस करना होगा। वैसे अगर बात की जाए वानखेड़े की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुनासिब मानी जाती है, बल्लेबाजों के लिए एक अवतार मानी जाती है, क्योंकि उस पिच पर बढ़िया रन बनते हैं। यानी कि अगर आज जिस तरीके से स्टार्टिंग से इंग्लैंड की टीम खेलती है, चढ़कर खेलती है, स्टार्टिंग वो आप ये कह लें कि पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहती है, उस तरीके से अगर आज इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करती है तो इस मैदान पर आपको बड़े बड़े शॉट्स दिखेंगे, अच्छी बाउंड्री दिखेगी और बड़े स्कोर देखेंगे। वही अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका भी अपने आप में एक अच्छी टीम उभर कर आई है। जो चोकर का उनके ऊपर एक ताज लगा था उसको उन्होंने हटाया है और उन्होंने दिखाया कि संघर्ष करना और टक्कर वाले मैच को कैसे जीता जा सकता है। फिलहाल ये मैच 2 बजे शुरू होगा। जिस तरीके से दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी वो काफ़ी दिलचस्प होगा ये। और इस मुकाबले में जो सबसे अच्छी जिसकी निगाहें रहेंगी, सबकी जो निगाहें रहेंगी वो रहेंगी क्विंटन डी कॉक के ऊपर, डेविड मलान के ऊपर, एडन मार्करम के ऊपर और कप्तान जोस बटलर के ऊपर, क्योंकि बटलर भी पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक विफल नजर आए हैं। जो वो अच्छे शॉट्स लगाते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके अनुरूप वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर इस टीम में आप देखें मार्कवुड है, जिस तरीके से मार्कवुड 150 की स्पीड से गेंदबाजी लगातार करते हैं और इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा 154 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गेंद डालकर। इसके पहले ये रिकॉर्ड हरीश रावत के नाम था, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उन्होंने डाली थी, लेकिन अपने पिछले मुकाबले में
इंग्लैंड के गेंदबाज मार्कवुड ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो अगर उनके पास पेस है तो क्विंटन डिका के पास अच्छा क्लास है, एडन मार्कम के पास बढ़िया हिटिंग पावर है। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।